फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। तो फ्रेंड्स, अभी सुबह के 5:30 हो रहे हैं और हम लोग जो कि अभी भी बना ही रहे हैं, हम लोग का कंप्लीट नहीं हुआ है और कल भी बनाए थे तो कल अधिक नहीं बना पाए, कुछ कुछ बनाए, उसके बाद जो थोड़ा सा थक गए थे तो हम लोग सो गए और आज सवेरे से ही इसी काम में लगे हुए हैं। और मेरी फ्रेंड भी आई थी मेरे साथ बनाने के लिए, तो अभी कुछ देर के लिए चली गई है अपना रूम। हम लोग एक ही लॉज में रहते हैं बट उसका रूम जो है अलग है और मेरा रूम अलग है, तो हम लोग एक ही साथ बैठ के बना रहे थे, तो अभी कुछ करने के लिए चली गई है और कुछ देर बाद वो आ जाएगी। और आज पूरा कंप्लीट करके जाना पड़ेगा क्योंकि आज जो है फाइनल है और अभी और तैयारी करने का टाइम हम लोग को नहीं मिलेगा, तो हम लोग यहीं पे सारा चीज कंप्लीट करके जाएंगे। और हम लोग का खाना जो है उधर पक रहा है, खाना भी बनते जा रहा है और हम लोग अपना काम भी करते जा रहे हैं। तो चलिए, आज अगर मुझे कॉलेज में वीडियो बनाने का मौका मिलेगा, ब्लॉग बनाने का मौका मिलेगा, तो मैं वहां भी कुछ कुछ वीडियो रिकॉर्ड करूंगी। तो चलिए, आज का दिन कैसा बीतता है देखते। तो फ्रेंड्स, अभी हम लोग कॉलेज के लिए रेडी हो गए हैं और अभी मेरी फ्रेंड लोग के साथ मैं कॉलेज जा रही हूँ। और अभी हम लोग दुकान से एक कुरकुरी ले लिए हैं, इसको खाते खाते हम लोग जाएंगे क्योंकि एक फ्रेंड जो थी वो आने में थोड़ा लेट कर रही थी, इसीलिए हम लोग कुरकुरी खा के उसका वेट कर रहे थे। तो अभी वो फ्रेंड आ गई है तो अभी हम लोग सब मिलके साथ में कॉलेज जा रहे हैं। अभी हम लोग जो है कॉलेज आ गए हैं और अभी सब कोई अपना अपना तैयारी कर रहा है, जिसको जहाँ पे रखना है सब कोई अपना अपना स्थान खोज रहा है और अपना अपना सामान को रख रहा है। और ये जो है ये सिर्फ आर्ट्स वाला का लाइन है, देखिए आर्ट्स वालों का कला, बहुत ही सुंदर सुंदर यहाँ पे चीज दिखाया गया है, बना के लाया गया है। देखिए ये चीज सब जो है लकड़ी का था और ये भी कुछ है, बहुत ही सुंदर बनाया गया है, थर्माकोल से बहुत ही कलरफुल घर बनाया गया है देखिए। और ये जो है ये एक झालर है जिसको कागज से बनाया गया है, कागज और कोट, और इसको लकड़ी से बनाया गया है, लकड़ी और तिनका, कितना सुंदर हरिन और फूल बनाया गया है। और ये सब जो दिख रहा है आप लोगों को, इसको दाल से बनाया गया है। और ये जो फूल दिख रहा है आप लोगों को, देखिए कितना सुंदर है, जो धान से बनाया गया है। और ये जो है ये लकड़ी से बनाया हुआ है और इसको तो जान ही रहे होंगे, ये यीशु भगवान है, देखिए इनका जो गौशाला में जन्म हुआ था। और अभी जो कि दिसंबर भी आ गया है और अभी क्रिसमस अधिक दूर भी नहीं है, तो यीशु भगवान का जन्म का त्यौहार अभी दिसंबर में ही मनाया जाता है। और भी कुछ कुछ है आर्ट्स वाले लोग और भी बहुत सुंदर सुंदर चीज़ बनाए हैं, चलिए आगे देखते हैं। देखिए ये भी कुछ बनाया हुआ है, बहुत ही सुंदर लग रहा है देखिए। और यहाँ पर जो है अस्पताल बनाया गया है, बहुत ही सुंदर। और इधर जो है सूरज से सारा ग्रह का ये बताया गया है, कौन ग्रह कितना दूर में है, ऐसा कुछ बताया गया है यहाँ पे, सारा शिक्षा का ही पार्ट है देखा जाए तो। और भी कुछ कुछ कला देखिए, यहाँ पे जो है झालर बनाया गया है, बहुत सुंदर सुंदर अलग प्रकार का। और इधर जो है देखिए चूड़ी से बनाया हुआ है, बहुत सुंदर डब्बा, ये जो है चूड़ी का ही बनाया हुआ है, इसको डिजाइन किया गया है ऊपर वाला कवर को। और ये सब भी कागज का ही बनाया हुआ है, सारा आर्ट्स वाला का कला है। और ये जो है ये कॉमर्स का है, इधर ये भी बहुत ही सुंदर सुंदर प्रोजेक्ट बनाए हैं देखिए। और इधर जो है इधर बहुत सुंदर सुंदर ड्राइंग है, देख सकते हैं इधर राधा कृष्ण वाला ड्राइंग है, बहुत ही प्यारा है। और ये जो लड़की है देखिए, इसे भी बहुत ही सुंदर बनाया गया है। अभी हम लोग जो है रंगोली साइड आ गए हैं, देखिए बहुत ही सुंदर रंगोली बन रहा है, अभी भी इन लोग का कंप्लीट नहीं हुआ है और अभी हम लोग का टाइम भी नहीं हुआ है, इसीलिए इन लोग कंप्लीट कर रही है। और ये सब काम है, कल फोटेज दिखाई थी, अच्छे से वीडियो नहीं कर पाई थी इसीलिए, और आज मैं आप लोगों को अच्छे से दिखा रही हूँ। इन लोग भी बहुत ही सुंदर सुंदर रंगोली बनाए हैं देखिए, इन लोग भी विशेषकर देखिए पृथ्वी को दर्शाया गया है, बारिश पृथ्वी कुछ ऐसा ही दर्शाया गया है देखिए। और ये देखिए दो हाथ जो है पृथ्वी को पकड़े हुए हैं और ऊपर में जो है पेड़ बनाया हुआ है, सेव ट्री करके लिखा हुआ है देखिए। इन लोग का भी जो है कुछ ना कुछ संदेश है, देख सकते हैं हर रंगोली में बहुत ही सुंदर सुंदर रंगोली बनाया गया है इसमें। और इसमें भी आओ पेड़ लगाए करके लिखा हुआ है देखिए, सभी को मिलके पेड़ लगाना चाहिए। और यहाँ भी सेव ट्री का ही दिया हुआ है,
देख सकते हैं बहुत ही सुंदर सुंदर इन लोग रंगोली बनाए हैं। और ये जो है ये हम लोग का कॉलेज का डेकोरेशन है, बहुत ही मेहनत किया गया है इसमें भी, देखिए बहुत ही सुंदर डेकोरेशन किया गया है। कागज के फूल हैं ये सब, और कागज के फूलों से ही सजाया गया है आज, देखिए। हमारा प्रोग्राम जो है वो स्टार्ट हो गया है, देखिए फादर बारी बारी करके सबके पास जा रहे हैं और एक्सप्लेन करने के लिए बोल रहे हैं। और यहाँ पे जो है दूसरे स्कूल के बच्चे भी देखने आए हैं, देखिए छोटे छोटे बच्चे भी आए हैं। देखिए पहले का माहौल कुछ ऐसा ही था, नहीं वो किधर है पानी को पंप करते हैं और उसको टंकी में स्टोर करते हैं ताकि हम लोग बाद में उसको सिंचाई करने में यूज कर सके। और ये ऐसे जगह में यूज किया जाता है जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी नहीं पहुँच पाता है, और ये इसमें फ्री इलेक्ट्रिसिटी मिलता है हम लोगों को, जिसकी वजह से लोगों को बिल पे नहीं करना पड़ता है। और ये एनवायरमेंट फ्रेंडली होता है, इसमें किसी भी प्रकार का जनरेटर मोटर और फ्यूल यूज नहीं किया जाता है, और ये इफिशेंटली हम लोग इसे इरीगेशन कर सकते हैं। ये हमने टेस्ला बल्ब बनाया है, इसके सामने किसी भी बल्ब को लाएंगे तो बल्ब अपने आप ग्लो करने लगेगा बिना किसी वायर के, बिना किसी इलेक्ट्रिसिटी के। ज्यादा ग्लो करता छोटा प्रोजेक्ट है, इसीलिए मतलब हल्का कर। सूरज की रोशनी जब ये समुद्र में पड़ता है तो ये इवापोरेट होके बादल का रूप ले लेता है, वही फिर जब भारी हो जाता है तो ये रेन के फॉर्म में जमीन पर गिरती है, और वही फिर नदी या नाला सब मिल के वही बनता है और फिर से समुद्र में आ जाता है। यही प्रोसेस दोबारा कंटिन्यू होता है, और इसी प्रोसेस को वाटर साइकिल कहते हैं। दिस इज हीमोडायलिसिस फंक्शन। जब हमारा किडनी काम करना बंद कर देता है तो इस क्रिया द्वारा हम अपना किडनी का वर्क कर सकते हैं। तो इसमें होता क्या है, जो हमारा आर्टरी होता है, ये एक हाथ समझिए पेशेंट का, तो हमारा आर्टरी से ब्लड आता है, खींचा जाता है इस पंपर द्वारा। इसमें एक पंपिंग मशीन रहता है जो हमारा आर्टरी से ब्लड खींचने का काम करता है। वो ब्लड को खींचने के बाद एक डायलाइजर, इसमें ब्लड प्यूरिफाई होता है, वो इसमें जाता है। ब्लड प्यूरिफाई होने के बाद वेस्ट मटेरियल इसमें चला जाता है, जो प्योर ब्लड होता है वो इसमें आ जाता है। तो जो प्योर ब्लड होता है वो वापस हमारे बॉडी में भी एंटर करना है, तो एंटर करने के लिए पंपर फिर इसको खींच के हमारे बॉडी में सिरा द्वारा, जिसको इंग्लिश में वेनस बोलते हैं, उसके द्वारा हमारे बॉडी में एंटर करता है। तो इस क्रिया को लगभग होने में 7 से 8 घंटे लगते हैं, और जिस आदमी की दोनों किडनियाँ नहीं मतलब डैमेज हो जाती है तो उनको ये क्रिया करना चाहिए, सप्ताह में लगभग 3 से 4 बार। देखो इसमें ब्लड दिख रहा है, आया अभी। ओके, इसमें ब्लड आ रहा है ना, आएगा। हाँ हाँ, इस तरह से आके फिर हमारे सिरा द्वारा मतलब वेनस द्वारा हमारे पूरे बॉडी में सप्लाई हो जाता है। ओके, इसलिए इसको खींच के हमारे ये बॉडी में सिरा द्वारा पहुँचाता है। हम लोग सिक्योरिटी सिस्टम लगा, कोई भी अगर पशु पशु को खाने के लिए घुसेगा, जैसे ही एंट्री करेगा तो हम लोग का ये सेंसर एक्टिवेट हो जाएगा। जैसे ही एंट्री करा तो जहाँ से भी एंट्री करेगा तो हम लोग का सेंसर एक्टिवेट हो जाएगा इस प्रकार से।
इसका यूज कहीं भी कर सकते हैं, बैंक कॉलेज सब में, कहीं भी स्कूल स्कूल कहीं भी, जैसे कोई चोरी हो जाए, कोई घुसेगा ऐसा करके तो हम लोग का ये एक्टिव हो जाएगा। इस पर पहले बिजली पैदा होती थी ना, कोयला से होता था, कोयला से होता था क्या, कोयला से जानते हैं कोयला जलाने से प्रदूषण होता है, प्रदूषण होता है, प्रदूषण से हम लोग को क्या होती है, अनेक प्रकार की बीमारी होती है, बीमारी होती है हम लोग डॉक्टर के पास जाते हैं, 1,000,000 रुपये खर्च हो जाती है उसी बीमारी में। तो शरीर होने का अपना आप डॉक्टर को एकदम ये एकदम उतर दीजिएगा क्या है, देखते हुए कुछ वैज्ञानिक लोगों को सोचा ना क्यों ना हम लोग इसका मतलब वेग चाहिए 15 किलोमीटर प्रति घंटा का वेग चाहिए ना, लेकिन अभी जनरेट कर देंगे जिससे प्रदूषण भी नहीं होगा, फायदा भी हो जाएगा। तो इससे इलेक्ट्रिक जनरेट हुआ जिससे हम लोग यहाँ कलेक्शन करेंगे, कलेक्टर के रखेंगे, ट्रांसफार्मर के माध्यम से आपका घर में पहुँचेंगे, आपका रूम में जाएगा। अलग से हम लोग कुंडली से लेते हैं ट्रांसफार्मर में, कौन सा कुंडली से हम लोग लेते हैं धारा, लोकर होता है लेकिन हम लोग कौन से कुंडली से लेते हैं धारा, कोई का नाम है सोलर पावर। हमारा मुख्य उद्देश्य है कि बिना इलेक्ट्रॉनिक का यूज किए हुए हमें खेती कैसे कर सकते हैं ना, ये सूरज है, ये सोलर है, ये कंट्रोलर है, ये पंप है, ये टंकी है, जब आपको पानी भरना है टंकी में तो आप सूर्य का प्रकाश, जब यहाँ सूर्य प्रकाश पड़ेगा ना इसमें तो अपना फिट होता है, और जब आप यहाँ स्विच रहता है ऑन कीजिए तो धूम बत्ती जलेगा, इसे ऑन किए जमीन से होते हुए पानी पंप के थ्रू टंकी में जमागा, अब इसे टंकी पूरा फूल हो गया या ऑटोमेटिक रेड बत्ती जलेगा, तो आपको समझ जाना है कि पानी फूल हो गया, आप उसको ऑफ कर लीजिएगा। जैसे कि हम लोग पानी जरूरत है खेती के लिए, तो हम लोग खेती के लिए यूज किए, तो आप अगर आप चाहते हैं कि पानी कहीं और यूज करें, घर के लिए हुआ, कुछ काम के हुआ, तब हम यूज कर सकते हैं। हम लोग इतना कुछ बताने का मुख्य उद्देश्य है कि बिना इलेक्ट्रॉनिक का यूज किए हुए कैसे पानी का बचत करते हुए कैसे खेती करें। आप देख सकते हैं कि सोलर है, इसको एक बार खरीद सकते हैं, इसको बार बार यूज होता है, और ये कहीं पर भी इलेक्ट्रॉनिक का यूज नहीं किया हुआ है, तो करंट रहने का डर नहीं है, पंप से धुआं नहीं निकलता, तो पॉल्यूशन से भी मुक्त है, और देख सकते हैं ये पूरा टंकी कवर किया हुआ है, तो पानी भी वेस्ट नहीं जाएगा, तो पानी बचत करते हुए पैसा का बचत करते हुए पर्यावरण को रखते हुए हम बताना चाहते हैं कि खेती कैसे किया जाता है। अधिकतर ये सब ग्रामीण इलाके में, जहाँ तक अभी तक इलेक्ट्रॉनिक नहीं पहुँचा है। थैंक यू। तो फ्रेंड्स, हम लोग का जो प्रोग्राम था वो यहीं पे खत्म हो गया है, और मैं भी अपना ब्लॉग का एंड यहीं पे करती हूँ। मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।